नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। प्रधानमंत्री ते गृह मंत्री वालों सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस मौके बल के जवानों ते परिवारों नूं वधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भविख दियां बदल रही स्थितियां के मद्देनजर हथियारों की भूमिका नूं अहम दस्या। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांडरिंग रोकू एक्ट के प्रबंधों तहत ईडी दियां शक्तियां नूं बरकरार रखा। ते भारत अते वेस्ट इंडीज विचाले लड़ी दा तीजा ते आखिरी क्रिकेट मैच अज। ते हुण खबरां विस्तार नाल। सीआरपीएफ अज 83वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके सीआरपीएफ के जवानों ते उन्हां दे परिवारों नूं वधाई दित्ती है। अपने ट्वीट सुनेहे विच प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बल ने अपनी बहादुरी ते विशिष्ट सेवा लई अपने आप नूं विलखणता दित्ती है। उन्हां कहा कि सुरक्षा चुनौतियां जां मनुखी चुनौतियां नाल नजिठण विच वी सीआरपीएफ दी भूमिका शलाघायोग रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीआरपीएफ दे स्थापना दिवस मौके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों ते उन्हां दे परिवारों नूं शुभकामनावां दित्तियां ने। उन्हां अपने ट्वीट सुनेहे विच कहा कि अपनी बहादुरी नाल सीआरपीएफ ने ना सिर्फ देश दी सुरक्षा नूं बरकरार रखण विच विलखण योगदान दिता है, बल्कि बहादुरी दा इक माणमत्ता इतिहास भी सिरजिया है जिस ते हर भारती नूं माण है। उन्हां कहा 83वें स्थापना दिवस ते सीआरपीएफ दे जवानों नूं शुभकामनावां दिंदा हां ते उन्हां दी राष्ट्र सेवा अते समर्पण नूं सलाम करदा हां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविख विच बदल रही स्थितियां दे मद्देनज़र हथियारां दी अहम भूमिका है। मेक इन इंडिया तहत फौजी हथियार मौके ते चुनौतियां विषय ते अज नवी दिल्ली विच करवाए गए सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं रक्षा मंत्री ने कहा कि भविख विच भारत नूं हथियारां विच आत्म निर्भर होण लई आधार बनाउण दी लोड़ है। उन्हां कहा कि भारत हथियारां विच आत्म निर्भर बनण लई तेजी नाल अगे वध रिहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र दा विकास उसदे हथियारां अते असले तों पता लगदा है। प्रिसीजन और ऑटोनोमस वेपन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह केवल उन्हीं जगहों को टारगेट करते हैं जहां हम चाहते हैं, यानी अगर दुश्मन का कोई ठिकाना हमें नष्ट करना है तो प्रिसीजन एमुनिशन उसे ही चुनकर नष्ट करेगा, न कि किसी सिविल एस्टेब्लिशमेंट को, जबकि ट्रेडिशनल एमुनिशन के प्रयोग में यह खतरा बराबर बना रहता है। जब हम किसी देश से युद्ध करते हैं तो वहां की सेनाओं से लड़ाई लड़ते हैं, न कि उस देश की आम जनता से। ऐसे में आबादी और सिविल एस्टेब्लिशमेंट्स के विध्वंस से बचते हुए हम न केवल वार क्राइम से बच सकते हैं, बल्कि युद्ध काल में भी शांति और मानवता के अपने मूल्यों का भी हम संरक्षण कर सकते हैं। देश दी सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकू एक्ट 2002 दे प्रबंधा तहत इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वल्लों जांच, गिरफ्तारी अते जायदाद दी कुर्की दियां शक्तियां नूं बरकरार रख्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी लई इह जरूरी नहीं कि ओह केस दी जानकारी दी रिपोर्ट मुलजिम नाल सांझी करे। मनी लांडरिंग मामलों नूं लैके सर्वोच्च अदालत दे इस फैसले नूं अहम मन्निया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांडरिंग रोकू कानून दियां धाराओं नूं चुनौती देण वालियां पटीशनां नूं रद्द कर दिता है। पीएमएल दे इना प्रबंधा खिलाफ 80 अर्जियां दाखिल कीतियां गईयां सन। भारत दे 11वें राष्ट्रपति ते मिजाइल मैन दे नां नाल प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दी अज बरसी है। एक महान विज्ञानी, विचारक अते लेखक दे नाल ही डॉक्टर कलाम 2002 तो 2007 तक देश दे राष्ट्रपति रहे। उन्होंने देश दी रक्षा दे खेतर विच प्रमुख भूमिका निभाई ते उन्हां नूं देश दे सर्वोच्च सन्मान भारत रत्न नाल वी नवाजा गया सी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साबका राष्ट्रपति दी बरसी मौके उन्हां नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। उन्हां अपने ट्वीट सुनेहे विच कहा कि भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी दा पूरा जीवन भारत नूं इक मजबूत राष्ट्र बनाउण दी दिशा विच समर्पित रहा। अपने ज्ञान अते सादगी नाल उन्हां ने देश दे नौजवानां नूं प्रेरित कीता। उन्हां दे विचार ते आदर्श हमेशा देशवासियां दा मार्गदर्शन करदे रहणगे। भाजपा प्रधान जेपी नड्डा ने भी साबका राष्ट्रपति अब्दुल कलाम नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती है।
पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीते दिन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत नाल मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सूबे विच नहरी प्रबंध के नवीनीकरण लई विशेष फंड अलाट करने की मांग की। उन्होंने राज विच मौजूदा नहरी प्रणाली नूं मजबूत अते उसकी मुरम्मत करने लई विशेष पैकेज की लोड़ ते भी जोर दिता। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नूं आजादी मगरों बनिया नहरां की मजबूती ते नवीनीकरण की लोड़ बारे जाणू करवाया। मुख्यमंत्री ने दस्या कि सूबा सरकार ने सतलुज दरिया की सहायक नदी बुढ़े नाले की सफाई का प्रोजैक्ट शुरू किया है, जिसका 54% काम मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने केंद्र सरकार नूं अपील की कि नवीं तकनीकां लियाउण लई इस प्रोजैक्ट विच सूबा सरकार की मदद करे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने भगवंत मान नूं पूरा सहयोग ते तालमेल का भरोसा दवाया। केंद्र सरकार ने तीनों फौजां विच अग्निपथ योजना तहत अग्निवीरां दी भर्ती का ऐलान किया है। इस भर्ती नूं लैके नौजवानों विच उत्साह है। राष्ट्र सब तो उपर देश नाल ही होवे जिस दी पछाण। खतरिया नाल अखां मिलाउण दा जनून, इस तरह दे ने भारत दे वीर जवान। इन्हां फौलादी जज्बियां नूं दिंदी है फौज एक नवी पछाण। देवो देश नूं अपने 4 साल छाती तान संकल्प कर। बहुत खास है जवानों लई ये देश सेवा का मौका। चलो भरीए भारतीय फौज विच जवान जोश असी सारे मिल के। वर्दी का माण मिले जो एक सुनहरी कल नाल सजे, तमगा बधावे सीने दी शान। बहादुर योधे साडे भरन आत्म निर्भरता दी उड़ान। हुण पर्वत भी नहीं हिला सके इन्हां दे हौसलियां नूं, जिन्हां ने कीता कतरा कतरा देश दे नाम। बनो भारत दे अग्निवीर, अग्निवीर बनो। पंजाब सरकार वालों राज दियां शूटिंग रेंजा की कायाकल्प करने लई 6 करोड़ रुपए जारी किए गए ने। खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीथेयर ने कल मोहाली विच सरकारी शूटिंग रेंज का जायजा लैण मौके कहा कि पंजाबियों विच खेडां दे खेतर विच अगे वधण दी अथाह समर्था है, जिस नूं पछाणदिआं सरकार वल्लों खेडां वल विशेष ध्यान दिता जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब नूं निशानेबाजी खेड का धुरा बनाया जाएगा। उन्होंने खेड अधिकारियों नूं शूटिंग रेंजां विच पंजाब दे चोटी दे निशानेबाजा दीआं तस्वीरां लगाउण, रेंज नूं समें दा हाणी बनाउण ते लोड़ींदा बुनियादी ढांचा मुहैया कराउण लई भी आख्या। इस मौके विश्व कप विच तमगे जितने वाले पंजाब दे निशानेबाज अंजुम मोदगिल ते अर्जुन बबूटा भी उन्हां दे नाल सन। पंजाब दे एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। पंजाब सरकार ने उन्हां दी थां सीनियर वकील विनोद कई नूं नवां एडवोकेट जनरल नियुक्त कीता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं भेजे अस्तीफे विच अनमोल रतन सिद्धू ने कहा कि वह अपने अहुदे तो निजी कारणां करके तुरंत प्रभाव नाल अस्तीफा दे रहे ने। जिक्रयोग है कि अनमोल रतन सिद्धू ने इस साल 19 मार्च नूं एडवोकेट जनरल दा अहुदा संभालिया सी। उधर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि सीनियर वकील विनोद कई नूं नवां एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। देशव्यापी टीकाकरण मुहिम तहत 202,79,00,000 टीके लगाए जा चुके ने। सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने दस्या कि इस विच 93,08,00,000 दूजी डोज़ ते 7,81,00,000 एहतियाती डोज़ भी शामिल है।
ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 27,37,235 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,45,026 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 20,742 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 98.47% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 18,313 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 4,25,337 ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 87,36,00,000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਮੈਚ ਅੱਜ ਪੋਰਟ ਆਫ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ 2 ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ 1 ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 12ਵੀਂ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੋਚ ਰਾਹੁਲ ਦ੍ਰਾਵਿੜ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਜੰਮੂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਰਾਮਬਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।